हेलो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है। इनफैक्ट ये जॉइंट वेंचर कम और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फोर्ड को एक तरीके से टेक ओवर जैसा कर लिया है। अब 51% बिजनेस फोर्ड का महिंद्रा एंड महिंद्रा संभालेगा और वो मेजर स्टेक होल्डर बन गया। लेकिन आपके पास अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर स्टॉक है तो आप पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है, जो कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फोर्ड इंडिया जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने विचार किया कि वो इंडिया से बाहर निकलेंगे, इंडिया के बिजनेस से बाहर निकलेंगे। सिर्फ सानंद गुजरात में जो उनका जो प्लांट है वहां पर वो इंजन बनाते हैं, उस प्लांट में ही सिर्फ वो अपनी हिस्सेदारी रखेंगे, उस प्लांट का काम चालू रहेगा। और चेन्नई में ग्लोबल बिजनेस सर्विसेस यूनिट है, वो चीज उनके पास रहेगी, फोर्ड के पास। उसके अलावा सब चीज फोर्ड की महिंद्रा एंड महिंद्रा संभालेगा, उसके इंप्लॉइज लोगों को भी महिंद्रा एंड महिंद्रा लेगा। तो ये पूरी एक साल की लगभग प्रक्रिया है, मतलब 2020 के बीच में जुलाई अगस्त इस समय ये खत्म होने की संभावना है। तो ये पूरा एक साल का प्रोसेस है। लेकिन ब्रोकरेजेस क्या बोलते हैं इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर आज समझते हैं, ट्रैक्टर पर बहुत इनका नाम है, लेकिन पर्सनल व्हीकल, इनकी पर्सनल कार को लोग नहीं जानते हैं जितना कि मारुति की कार को लोग जानते हैं या होंडा की कार को लोग जानते हैं। तो फोर्ड की टेक्नोलॉजी मिलने से महिंद्रा एंड महिंद्रा की पर्सनल कार का जो सेगमेंट है उसमें बहुत बड़ा उसको फायदा होने वाला है। और टारगेट प्राइस, जी हाँ, टारगेट प्राइस 780 का आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, HSBC की तरफ से। HSBC ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उसने 780 का टारगेट प्राइस दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा को, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर से उनको लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो पर्सनल व्हीकल का जो बिजनेस है वो बहुत ही ऊंचाई पकड़ेगा। ट्रैक्टर में तो वो अच्छा कर ही रहे हैं, साइक्लिकल स्लोडाउन हो सकता है, लेकिन अब ये पर्सनल व्हीकल का भी बिजनेस अगर फोर्ड का उनको मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। अब आपका क्या मानने का है महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर, आप क्या लॉन्ग टर्म महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर आप सोच सकते, जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हमको बिल्कुल इंतजार रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।